आज इस क्रांति को आम आदमी की पार्टी की जो क्रांति है, मैं इसे राजनीति नहीं कहूंगा, उसे एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। गुलबर्गा के अलग अलग तालुका से सेडम है, आलंद है, चिंचोली है, साउथ है, नॉर्थ है, अलग अलग वार्डों से समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति धर्म के लोग, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, नर्सें, कोऑपरेटिव में काम करने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग जो जुड़े हैं, ये बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ये जो जेसीबी है, इसका खात्मा की कहानी आज लिखी जा रही है यहाँ पे। आम आदमी ग्रास रूट लेवल से तैयारी कर रही है, हर वार्ड में, गांव में, पंचायत लेवल में, जेडपीटीवी लेवल में, सब जगह हमारी तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तैयारी को एक बहुत बड़ा ताकत जो है पंजाब, जो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल दिल्ली में था, उसको पंजाब ने मौका दिया है। कर्नाटक के लोग उसे मौका देने के लिए तैयार है। तो हम जो स्पीड से जाना चाह रहे थे, पार्टी का एक रूपरेखा थी कि हम इस स्पीड से जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अद्भुत जो है पंजाब रिजल्ट के बाद परिणाम देखने मिल रहे हैं। बहुत सारे जेडपीटीपी मेंबर्स, बहुत सारे माजी एमएलए और बहुत सारे हाली एमएलए जो है वो हमारे संपर्क में, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे खुशी है, आप ही के शहर के सिद्धू पाटिल, जो 15-20 साल से बीजेपी के अंदर में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या क्या काम पार्टी के लिए करना है, तमाम किस्म के काम, सेवा की उन्होंने पार्टी की, आज वैसे व्यक्ति उस गवर्नेंस मॉडल पे विश्वास रख के, यकीन रख के, आज उनके नेतृत्व में 1000 आदमी करीब करीब यहाँ जुड़े होंगे पार्टी में। तो एक बहुत बड़ी तैयारी, हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी जोर की तैयारी, शोर की तैयारी यहाँ चल रही है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस का खात्मा जो है कर्नाटक और गुलबर्गा से होने जा रहा है। तो पहली बात तो, क्या कांग्रेस बीजेपी को दिल्ली के अंदर में कांग्रेस ने हराया? बीजेपी का खात्मा आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों का खात्मा आम आदमी पार्टी ने किया। तो आम आदमी पार्टी कहाँ से बीटिंग हुई? ये जो कुतंत्र है, ये जो चीज़ें फैलाई जाती है, ये बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका काम है। कभी आम आदमी पार्टी को मुसलमान की पार्टी, कभी हिंदू की पार्टी, हमारे अंदर मन की बात वाली राजनीति नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ काम की बात की राजनीति है। आप हिजाब लाओगे, हम स्कूल के बारे में बात करेंगे। आप मुसलमान की राजनीति की बात करोगे, हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे। आप गाय की राजनीति की बात करोगे, हम डोर टू डोर जो सर्विस आम आदमी पार्टी दे रही है उसकी बात करेंगे। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 76 ईयर्स के इतिहास में, उसके प्रणाली के में, मैनिफेस्टो में जो कहा है उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस को, कर्नाटक में और देश के अलग अलग जगह में आप लोगों को 70 साल मौका दिया गया, आप लोगों ने ये काम वहाँ क्यों नहीं किया? बात उस पर होनी चाहिए। हमारी खुली चुनौती है 220 पर 4 एमएलए जो अलग अलग पार्टियों से कर्नाटक में है, और गुलबर्गा के अंदर में 9 एमएलए जो है, खुली चुनौती। आ जाइए, आपसे रोड मैम को सवाल पूछेंगे, किसी चौराहे में आइए, आपके पास वो जवाब नहीं रहेंगे। हमारी खुली दावत है, मीडिया वाले के थ्रू मैं कह रहा हूँ, खुली दावत है, आइए, हमारे कुछ सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं तो जनता के सामने जवाब दीजिए उसका। बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखिए, एक ताज़ा उदाहरण, PSI 40%, ये जो खेल है ये कर्नाटक में चल रहा है, ये कौन चला रही है? आज बीजेपी नेतृत्व में बीजेपी को हम सवाल डाल रहे हैं। इसके पहले तमाम घोटाले हुए, जिन घोटालों के कारण कांग्रेस का वजूद देश में खत्म हुआ। तो दोनों पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू है, मुसलमान और दलित की राजनीति 45 साल कांग्रेस ने इस देश में की और लोगों को बेवकूफ बनाया। बीजेपी ने वो फॉर्मूला चोरी करके हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ चालू कर दी है। तो एक शर्मनाक चीज है कि मेरे राम को आप राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे राम के नाम में आप वोट मांग रहे हो। आप बोलिए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था, अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा। आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए बोलने का, अगर हमने काम किया तो वोट दीजिए। आप काम के बारे में कुछ बात नहीं करते हो। दूसरी चीज, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद में जो तमाम सहूलतें दे रही है उसके वजह से आज महीने के 12-13 हज़ार रुपये, साल के 1.5 लाख रुपये और 5 साल आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने की वजह से 7.5 लाख रुपये एक एक घर में बचे, वो हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण हमने नहीं दिखाए, हर घर में बचे। एक तरफ ये राजनीति और दूसरी तरफ देश को बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति, हम सत्ता में आएंगे तो आपके अकाउंट में 15 लाख दे देंगे। तो कहाँ है वो 15 लाख? हमने कोई मतलब बड़े हास्यास्पद राजनीति है। और दूसरी चीज़, देश के अंदर में इलेक्शन के टाइम में मैं जनता से एक आह्वान करना चाहता हूँ, कर्नाटक और गुलबर्गा और देश की जनता से,
इलेक्शन के टाइम में आपको 500 रुपया 1000 रुपये में आके खरीदा जाता है। गरीब आदमी मजबूरी में हाथ फैला देता है, ये नालायक जो है मजबूरी का फायदा उठा के उन गरीबों के बीच जाते हैं, 1000 रुपये में वोट खरीदते हैं, 500 में वोट खरीदते हैं। वो 500 रुपया अगर 1865 दिन होते हैं 5 साल में, उसको अगर आप बांटिए तो 12 पैसा होता है। जनता को सोचना है कि हमारी 12 पैसे की जगह अब लड़ाई महीने के अंदर में 12000 की लड़ाई होनी चाहिए, हर घर में जो 12000 फायदे हो रहे लड़ाई उसकी होनी चाहिए। तो हर एक जनता को मेरा अपील यही है कि दिल्ली के अंदर में हिंदू मुसलमान की राजनीति जो कांग्रेस और बीजेपी कर रही थी, लोग उससे बाहर आए, दलित की राजनीति से बाहर आए और सारे लोग इकट्ठे होकर जमानतें जब्त करा दी इनकी। आज कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी यूपी के अंदर में 402 सीट के अंदर में 380 बार 7 सीट में जमानत जा चुकी है। इस देश में अगर मोदी और कौमवादी ताकत को कोई चुनौती दे सकता है तो आम आदमी पार्टी, और वो सिर्फ काम के द्वारा हम चुनौती दे रहे हैं, भाषण के द्वारा नहीं दे रहे हैं। तो मैं जनता से कहना चाहता हूं कि काम की राजनीति के लिए, और आप जो टैक्स बांध रहे वो पैसे आपकी जेब में आए, 5 साल में यहाँ भी 7.5 लाख रुपया बचे, वैसी इंटरनेशनल क्लास स्कूल है, वैसी मोहल्ला क्लिनिक है, वैसी दवाखाने, वैसे बड़े बड़े अस्पताल, घर बैठे आपको डोर टू डोर डोर डिलीवरी आपके सर्विसेस, ये सारी चीज़ें अगर आना है तो आपको सिद्धू पाटिल जैसे ईमानदार लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, सज्जाद अली जैसे लोग ईमानदार लोग हमारे पार्टी में हैं, डॉक्टर इमरान जैसे लोग संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को एक साथ आकर इस बदमाश राजनीति को ख़त्म करने के लिए, आप अपने घर को झाड़ू देते ना हर दिन, झाड़ू उठाइए और देश में से गुलबर्गा में से इस राजनीति को साफ कीजिए। नहीं, ये गलत बात है, कुछ जानकारियाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को कमी है। आज आम आदमी पार्टी ने 4-4 MLA की टीम वहाँ बनाई है, फ़ोन नंबर्स वहाँ दिए हैं, तो अगर कोई भी जगह हिंदू के साथ या मुसलमान के साथ दंगाई या प्रशासन जाति कर रहा है तो इमीडिएट हम वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो बुलडोजरें चल रही है, पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही है, पुलिस अमित शाह जी के पास है, और वो जो एरिया जहाँ पे दंगे कराए जा रहे हैं, जहाँ बुलडोजर चलाई जा रही है MCD, वहाँ पे BJP का रूल है। तो BJP और अमित शाह, पुलिस, ये सारा गठबंधन मिलके भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये कुतंत्र वहाँ करो ताकि वो बदनामी उनकी आए। लेकिन लोग समझदार है, देखिए लोग समझदार नहीं होते तो आज दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी को बहुमत दे के नहीं भेजते। लोगों को चाहिए स्कूल, लोगों को चाहिए पढ़ाई, किसानों को चाहिए अच्छी सरकार, दलित पे लिंचिंग ना हो, मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष की भावना ना फैलाई जाए। तो इसीलिए लोगों ने बनाया आम आदमी पार्टी, कोई केजरीवाल या मेरी आपकी पार्टी नहीं, सारे लोगों ने मिलके। अगर 67 सीट आम आदमी पार्टी को आ रहा है तो दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान सभी उसको वोट दे रहे हैं, तो ये सबकी पार्टी है। हम कोई कुतंत्र में आने वाले नहीं है, हम BJP या कांग्रेस के कोर्ट में खेलने वाले भी नहीं है, हम उनको हमारे कोर्ट में खेलने मजबूर करेंगे, काम की बात की राजनीति के लिए हम उसको मजबूर करेंगे। हमारे सारे एमएलए आप कल परसों की न्यूज़ देखिए, 4-4 MLA की टीम जो है हर क्षेत्र में पहुंची है, और कल ही दिल्ली की विधानसभा की जो डिप्टी स्पीकर है उनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, तो बोले ये पूरा झूठ फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन साहब के पास, जो बड़े साहब देश में रूल कर रहे हैं 15 लाख देने वाले, इनका कुतंत्र जो है ये फैला रहा है। हमारे डिप्टी स्पीकर से बात हुई है, ऐसे किसी भी इंसिडेंट, अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर जनता से आती है, इमीडिएट आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए रूमर्स तो केजरीवाल का एक टोपी, जो मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आप सबको समझने की जरूरत है, कहीं केजरीवाल किसी दावत में जाके अगर एक मुसलमान जो हमारे देश के हमारे भाई है, एक त्यौहार में जाकर टोपी पहनते तो उस टोपी को पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो 20-25 करोड़ रुपया महीने का खर्च कर रही है IT सेल पे, केजरुद्दीन करके फैलाया जाता है। तो इस राजनीति को आप क्या कहेंगे, हमें इस राजनीति से बचना है, हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति से बचना ही होगा, नॉट ओनली आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को भी इससे बचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं 20-25 साल से BJP में था, BJP में ये सोचकर था कि कुछ BJP कुछ अलग कांग्रेस से अलग करके दिखाएगा, लेकिन अभी 20-25 साल से यही देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी 7 साल हो गए, जस्ट 7 साल में उन्होंने दिल्ली
में आपको हॉस्पिटल, स्कूल बहुत सारे चेंजेस करके दिखाए, तो उसके वजह से हमने ये बहुत फर्स्ट पार्टी है, वो तो जल्दी क्या है, फर्स्ट ट्रेन है, उसके लिए ट्रेन में चढ़े हम लोग सब लोगों का, आम आदमी को ट्रेन में चढ़ा के सब लोगों का अच्छा होना चाहिए बोल के ये पार्टी में चढ़े। बढ़िया एक्चुअली बढ़िया रेस्पॉन्स, इतना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स, मैं सोचा भी नहीं थे हम लोग। अभी हमारा विजय शर्मा जी है, हमारा पृथ्वी रेड्डी साहब भी बोल रहे थे, ये इतना हम रेस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं थे आते टाइम, हम भी नहीं सोचे थे इतना बड़ा रेस्पॉन्स हमको मिलेगा, इतना लोग ज्वाइन होंगे, करीब मुझे लगता है 200-300 से लोग ज्वाइन हो गए, अलग अलग गाँव से, अलग अलग से एरिया से। आपकी तरफ से किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए पार्टी जो हमको आदेश देंगे वो उसका हिसाब से हम पार्टी का आदेश मान के हम काम करेंगे। जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आगे? देखिए ये करप्ट लोगों को आप हटाइए, जो आम आदमी और जो आम आदमी का काम करेगा उनको आप चुनियाइए। ये 40% या 20% कांग्रेस का, 40% बीजेपी का, ये सब हटाइए, 0% सरकार आप लेके आइए, हम सब लोग मिलके वो करेंगे वो काम। एक चीज़ खाली मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, आम आदमी सरकार जो भी काम दिल्ली में कर रही है आज तक, आपको पता होना चाहिए कि जब हम सत्ता में आए थे 2013 में 35,000 करोड़ का बजट था, एक रुपया भी टैक्स हमने किसी में बढ़ाया नहीं। आज आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है उसका बजट ईयरली 72,000 करोड़ का है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले दिल्ली सरकार के ऊपर 35,000 करोड़ रुपया का लाइबिलिटी बीजेपी और कांग्रेस ने छोड़ के गया था। उस 35,000 करोड़ लाइबिलिटी में भी हमने 9,000 करोड़ की लाइबिलिटी कम की है। इसका मतलब यह है कि कहीं भी कर्नाटक हो या दिल्ली हो, पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है 5 लाख का फुटपाथ और 55 लाख का बिल। इस राजनीति को हमने ईमानदार लोगों को राजनीति में लाकर खत्म किया है, तो ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे। एक गवर्नेंस मॉडल हमने प्रूव करके दिया है, वही गवर्नेंस मॉडल अब दिल्ली में काम कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, सेम गवर्नेंस मॉडल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इलाज पे, बस का किराया माफ पे, पानी पे, बिजली पे, सेम गवर्नेंस मॉडल यहाँ भी काम करेगा। और स्पेशल कर्नाटक की जो दिक्कतें हैं उसको भी हम जरूर हटाएंगे, क्योंकि लूट की राजनीति खत्म हो गया। थैंक यू। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಹೇಶ್, ಮಸ್ಮಗುಲ್ಬರ್ಗ.com ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.